जाने माने बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को हाल ही के अंदर मिला है नेशनल अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन्हें किसी और वजह से नहीं बल्कि तानाजी द अनसंग वॉरियर जिस फिल्म के अंदर अजय देवगन और सैफ अली खान एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे, इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही के अंदर उन्हें सम्मानित करने के बाद हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अजय देवगन की फिल्म बेहद ही शानदार भी बताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जैसे उन्हें नेशनल अवार्ड मिला तो उनके फेलो एक्टर यानी कि हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की, जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जिनके साथ वो सूर्यवंशी जैसी फिल्म के अंदर कैमियो करते हुए भी नज़र आ चुके हैं, उन्होंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने टाइम निकाला और ट्वीट करते हुए बताया कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि अजय देवगन इस मुकाम पर पहुँच गए हैं। लगभग 31 साल उनको इंडस्ट्री में हो चुके हैं और इन 31 सालों के अंदर उनकी मेहनत सभी को दिख रही है और आने वाले आगे के साल भी वो इसी तरीके से मेहनत करते हुए नज़र आएंगे। बहरहाल आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपका क्या मानना है इसमें लेकर, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।